सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर न्यू ब्लॉग वीडियो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को मैं अभी बता दूं, मैं अभी जा रहा हूं आदर्श के घर। आदर्श के घर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि यहां जो मैं रहता हूं, सामने एक भैया वाईफाई लगाए हुए हैं घर पे। तो ये जिनका घर है गाइस, वो मकान मालिक है। ये तो मेरा घर नहीं है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल अभी चलते हैं अपने फ्रेंड के पास। मैं जा रहा हूँ अभी आदर्श के घर, और वहाँ पे उसके घर में वाईफाई लगा हुआ, वहाँ से वीडियो अपलोड करना है मुझे। क्योंकि यहाँ भैया अभी 2 दिन से शायद वाईफाई बंद कर दिए हों, शायद कहीं बाहर गए हुए होंगे। तो अभी चलते हैं, पहले वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि गाइस बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, नेट नहीं मिलती तो किसी तरह से वीडियो अपलोड करना पड़ता है। कभी कभी स्टेशन जा कर वीडियो अपलोड कर देता हूँ, और स्टेशन में आप लोगों को तो पता है ये बहुत स्लो चलता है, सब लोग यूज़ करते हैं। और 1.5-2 GB पर डे जो मिलता है, उसमें तो वीडियो अपलोड होगा नहीं। अब कभी कभी 2-3 GB का वीडियो बन जाता है, तो वीडियो अपलोड होने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो अभी चलते पहले आदर्श के घर, क्योंकि गाइस मेरा एक ब्लॉग है वो भी अपलोड करना है, और पापा का जो वीडियो है वो भी अपलोड करना है। 2 वीडियो अपलोड करना है। और गाइस मैं वाईफाई बहुत जल्द ही लूँगा घर पे, बहुत ज़रूरी है। तो गाइस अभी आदर्श के घर आ चुके हैं, और अभी फटाफट पहले वीडियो अपलोड करते हैं। सो गाइस फाइनली अभी मेरा वीडियो अपलोड हो गया है, मेरा और पापा का, और कल अपलोड होगा वीडियो। और अभी चलते फटाफट घर, वीडियो अपलोड हो गया, थैंक यू आदर्श। तो अभी चलते पहले घर उसके। सो गाइस फाइनली मैं घर आ गया हूँ, चलते पहले खाना खाते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई है। और अभी बज रहे हैं आपका 2 बजे, वीडियो अपलोड करके मैं आया हूँ गाइस। तो फटाफट पहले खाना खाते हैं, उसके बाद ही कुछ काम करते हैं। सो गाइस फाइनली मैं खाना खा लिया हूँ, और मैं सो गया था, थोड़ा आराम कर रहा था, बहुत थक गया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ लवर पॉइंट, और कुछ फ्रेंड लोग भी वहाँ आएंगे, वहाँ फ्रेंड लोग के साथ मिलना है। तो आज गाइस कुछ ऐसा है ये ब्लॉग में, आज मैं रात में आऊँगा वीडियो शूट करते हुए, और आज मैं मार्केट में पूरा ब्लॉग बनाऊंगा, मार्केट से ब्लॉग करूंगा। मार्केट का जो एक होता है ना कि फ़ोन लेके चल रहे हैं या कैमरा ऑन है, क्या बोलना नहीं बोलना, एक कैमरा फियर होता है सबके अंदर कि मतलब पब्लिक के सामने नहीं बोल सकते। यहाँ पे कुछ लोग हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं, डर लगता है, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या हंसेगा, ये सारा मैं सारा इग्नोर करके आज वो वीडियो बनाऊँगा मार्केट से घर तक का। और मार्केट में ब्लॉग ऑन करूंगा, और घर तक मैं आऊंगा ब्लॉग बनाते हुए। तो ये जो चैलेंज है गाइस, आप लोग को शायद हो सकता है 1% या कुछ परसेंट आप लोगों को मोटिवेट करे, क्योंकि पब्लिक के सामने बहुत लोग कैमरा फेस पब्लिक के सामने नहीं कर पाते। तो आज मैं ट्राई करूंगा कि अगर पब्लिक के सामने अगर कैमरा फेस कर लिया, तो मैं समझ जाऊँगा कि मैं पब्लिक प्लेस में भी वीडियो बना सकता हूँ। तो अभी चलते हैं फटाफट पहले लवर पॉइंट। सो हे गाइस वेलकम बैक, आपका भाई आ गया है मार्केट पे, और अभी मैं जा रहा हूँ घर। और आज ये चैलेंज थोड़ा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। तो अभी चलते हैं अभी घर, अभी तो मैं घर ही जा रहा हूँ वैसे, तो अभी घर निकलते हैं। और ये कैमरा भी ऑन रहेगा, कैमरा भी बंद नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक के बीच में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और मैं भी देख सकूँ मैं कितना कॉन्फिडेंस लगता हूँ ब्लॉगिंग करने में, वो भी मार्केट में, वो भी रात का। आप लोगों को पता ही मार्केट का मज़ा रात में ही होता है, तो रात में ही मैं ब्लॉगिंग। गाइस आप लोगों को एक बात बता दूँ, सॉरी ये वीडियो हो सकता है कट करके आ रही होगी, पार्ट कटी है। क्यों कटी है, मेरे साथ एक बहुत बुरा पोपट हुआ, वो मुझे भी पता नहीं चला। मैं वीडियो बना रहा था जैसे ब्लॉग स्टार्ट किया मार्केट में, और अभी मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, कम से कम 800-900 मीटर चल के आ गया हूँ, और वीडियो जैसे ऑन किया मार्केट में ब्लॉगिंग करके ये पार्ट तक मैं बोला था। उसके बाद मेरे फ़ोन में कॉल आया जो मुझे पता नहीं चला, और मैं वीडियो फ्रंट कैमरे बैक कैमरे से बना रहा हूँ, फ्रंट कैमरे से नहीं बना रहा। और बैक कैमरे से जैसे बनाया और फ़ोन में कॉल आया, पता भी नहीं चला, फ़ोन मेरा ऑफ हो गया पूरा। मतलब हाट पर मार्केट से पेट्रोल पंप तक गाइस कम से कम 600-700 मीटर का दूरी पे होगा, उतना दूर मैं चलते मतलब बोलते हुए आया, और फ़ोन मेरा ऑफ है। अब मुझे लगा कि कैमरा ऑन है और वीडियो मेरा बन गया पोपट। और क्या बोलूँ गाइस, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। पता चला लोग देख के हंस क्यों रहे थे, इसलिए हंस रहे थे कि मेरा कैमरा ऑफ है, बक बक किए जा रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, खाली बोले जा रहे हैं। तो सॉरी, जो बात मैं बोल रहा था वो फिर से बोल देता हूँ, जनता माफ़ नहीं करेगी। वो ये गाइस कि अभी जैसे मैं मार्केट में ब्लॉग कर रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस मेरे पापा को देख के आया है, और मैं अपने पापा से सीखा हूँ कि मतलब कोई भी काम को करो तो दिल से करो। और मेरे पापा इतना सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो में मुझे, मैं आप लोग को बता नहीं सकता।
मतलब कैमरा फेस करना, वो भी पब्लिक प्लेस में, भी रात के मार्केट में, मार्केट मतलब रात का मार्केट, अब मार्केट का मज़ा तो रात में ही है। तो अभी फ़िलहाल अभी ऐसा है कि पापा को देख के मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला है, और पापा जैसे बोलते थे कि कोई भी काम करो, सब काम करो, मगर सरकारी जॉब लो, और पापा के माइंड में ऐसा था क्या कि सरकारी जॉब लेके इसको सेट कर देंगे, हैं लाइफ सेट हो जाएगा, इसका घर होगा, आराम से लाइफ कटेगा। तो उन्हें कौन बताए आपका बेटा कुछ और करने आया है धरती पे, और वो बहुत बड़ा चीज़ है, और इतना बड़ा है कि सरकारी जॉब तो कोई जॉब नहीं दे सकती सिवाय यूट्यूब को छोड़ के, और यूट्यूब से जो मिलेगा मुझे वो मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है, और जो लोग वीडियो बना रहे हैं उन्हें भी पता है, यूट्यूब इतना बेहतर लाइफ देता है गाइस, जो कि सरकारी जॉब भी नहीं देता। सरकारी थ्रू आप बैंक में गए हो और उसमें अगर बोले कि आपको ऐसा वैसा, तो बैंक वाला अगर बोलता है आपका बेटा क्या करता है बैंक में, तो उसका स्टैंडर्ड ही अलग है, अरे ये तो बैंक में है, लैंग्वेज चेंज वहाँ से, जो लैंग्वेज सुनने को मिलेगा वो तो गजब का ही मिलेगा। और आप लोग भी जाने, यहाँ झगड़ा हो रहा है, इधर झगड़ा हो रहा है, अभी इसलिए रिकॉर्ड नहीं किए कहीं मेरा भी कुछ हो ना जाए। तो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि अब तो घर आ गया हूँ, और मुझे वीडियो यहाँ पे रोकनी पड़ेगी क्योंकि फिर से कॉलेज आ रहा है, और फिर मैं नहीं चाहता कि पोपट बने, तो अभी मुझे वीडियो यहीं पे रोकनी होगी, कॉल पे बात करने के बाद ही वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस अभी मैं घर आ गया हूँ, और मार्केट में जो पोपट हुआ मेरा, आप लोगों को मैं बताता हूँ डिटेल में हुआ क्या, कि मैं एक यहाँ पे मार्केट है हाटपरा, तो वहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट किया था, वीडियो वहाँ से ऑन किया, फिर उसके बाद बीच में कॉल आया, मुझे पता नहीं चला कि कॉल आ रहा है, कॉल कट हुआ, फिर उसके बाद फ़ोन अपने आप ऑफ हो गया, और मुझे लग रहा है कि वीडियो ऑन है, और मैं बैक कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ, मैं सेल्फी से वीडियो बनाता नहीं, और मैं पहले बनाता था सेल्फी से, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाता था, मैं पहले बनाता था, फिर मेरे फ्रेंड लोग बोले कि नहीं बैक कैमरा से लो, बैक कैमरा में क्वालिटी बहुत मिलता है, तो वो लोग का सजेशन से, क्योंकि वो लोग भी वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा जानकारी है फ़ोन के बारे में और कैमरा सेटिंग के बारे में, तो उनके बाद उनसे कुछ हिंट उंट मिला, तो बैक कैमरा से मैं वीडियो बनाने लगा। तो आज ऐसा हुआ कि मैं वीडियो बनाया, ऑन किया वीडियो, फ़ोन आया, कटा, पता नहीं चला, फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि वीडियो चल रहा है, वीडियो प्ले है, और मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं वीडियो बना रहा हूँ, और फिर जब पेट्रोल पंप आके जब देखता हूँ ये तो वीडियो फ़ोन मेरा ऑफ है, वो उतना लंबा का इस बकते हुए आए लोग देख के हंस रहे थे, सही बता रहा हूँ, कैसा अभी अंदर से कैसा फील कर रहा हूँ मैं आप लोग को बता नहीं सकता। हाटपरा और पेट्रोल पंप का दूरी बहुत है, और उतना दूर से मैं बकते हुए आया हूँ, और वो भी हाटपरा नहीं, थोड़ा दूर और आगे एक होंडा का शोरूम है, वहाँ से वीडियो स्टार्ट किया था मैं, और वहाँ से करते 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 पेट्रोल पंप आया, और पेट्रोल पंप आया तो पता चला मेरा वीडियो बना ही नहीं कुछ, वो 28 सेकंड का क्लिप वो बना, फिर उसके बाद फिर एक और मार्केट से फिर स्टार्ट किया वीडियो, तो फिर फोन आया, तो अभी मैं घर आया हूँ, बात करते हुए फिर अभी घर आया, तो अभी मैं घर पे ये वीडियो ऑन कर रहा हूँ, बहुत दिमाग खराब हुआ मेरा, ये चैलेंज मेरे लिए अच्छा ही था, कैमरा ऑफ था फिर भी अपने आप में बोल रहे थे, कुछ से कुछ बोल रहे थे अपने आप में, मेरा कैमरा भी ऑफ था, और मैं बोला था कि मेरा कैमरा ऑफ नहीं होगा घर तक, मगर कैमरा ऑफ था गाइस, क्या ही बोलूं अब, तो वही बात है, सॉरी ये मैं फ्लैश थोड़ा इंक्रीज किया हूँ, तो वही बात है गाइस, पोपट हो गया मेरा, तो अभी पहले पानी पीते हैं, बहुत जोर का प्यास लगा है, बहुत थक गए, अब बकते हुए आए पूरा रास्ता। सो गाइस फाइनली मैं पानी वगैरह भी पी लिया हूँ, और पानी लेके भी आ गया हूँ, क्योंकि स्टेशन से पानी लेके आना पड़ता है, स्टेशन से पानी लेके आना पड़ता है, यहाँ थोड़ा पानी का दिक्कत है। तो आज जो मार्केट में जो मेरा मजाक बना वो तो बना ही बना, कैमरा ऑफ था, हाटपरा से पेट्रोल पंप तक ऐसे ही बोलते आ गए, पता ही नहीं चला, और मेरा फ़ोन कब ऑफ हुआ ये भी पता नहीं चला। तो अब मुझे ब्लॉग यहीं पर एंड करनी होगी गाइस, ये चैलेंज उतना सही नहीं बना, एक बार फिर से ट्राई करूँगा एक दिन ये चैलेंज फिर से कंप्लीट करने का। तो अभी मुझे ब्लॉग यहीं पे एंड करनी होगी,
अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड लोग से शेयर कर देना वीडियो। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।